एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काजल बोरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ और मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिनों बाद डाल रही हूँ। आई थिंक मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, बट अभी मेरा 12th है, बोर्ड्स प्रैक्टिकल सब कुछ चल रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा अपलोड्स मिस कर रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। जैसे सब कुछ ओवर होगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी, बट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके साथ एक रेस्टोरेंट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है दावत रेस्टोरेंट, यही है। अब मैं घर से तो उसी प्लान के साथ जा रही हूँ कि मुझे वो रेस्टोरेंट मिल जाए, नया है वो, तो वहाँ जाने का आज हमने सोचा है। अब वहाँ जाके क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, सो बट अभी के लिए प्लान यही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आप लोगों को लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये गांधी चौक है, तो आपको यहाँ से बस ऊपर को चलते जाना है और अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि वहाँ पे एक पुनेठा इन करके है, तो उसी के अंदर है दावत रेस्टोरेंट। सो यस, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप गूगल मैप के थ्रू भी जा सकते हो। अभी हम पहुँच चुके हैं दावत रेस्टोरेंट में, सो चलो लेट्स गो। फाइनली वी आर हियर, और ये है दावत रेस्टोरेंट जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और अगर आप लोगों को लोकेशन समझ नहीं आ रही है तो गूगल में आप क्या डालना कि दावत रेस्टोरेंट पे थोड़ागढ़ करके, और वहाँ पे डायरेक्शन पूरी आ जाती है। मैं भी उसी से आई क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इसके बारे में, सो मुझे सब कुछ वहीं से पता चला कि यहाँ पे आए थे। और प्लेस काफ़ी अच्छी है, बहुत शांत है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, और बढ़िया बैठे हैं अभी हम। अभी हमने खाना ऑर्डर किया, प्राइसेस भी सही है यहाँ पे, सो यस। और अभी फूड आएगा तो मैं आपको रिव्यू दूंगी उसका। लूटने आए हो मुझे? पहली बार मौका मिला, बट आई डोंट हैव एनी मनी, नो पैसा। यूट्यूब प्लीज सेंड मी सम पैसा। सो खाना तो नहीं आया, बट अभी वी हैव ऑर्डर्ड पेप्सी, सो लेट्स हैव। और ये मेरे दिन की आज मैं दूसरी वीडियो शूट कर रही हूँ, एक जो है वो अगले संडे आएगी। सो चीयर्स टू द को। वेटिंग फॉर द फूड, बट प्लेस काफ़ी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा यू नो मेरे को लग रहा है ना ये जगह काफ़ी अंडर रेटेड है। हाँ, बहुत अंडर रेटेड सी प्लेस है, आप लोगों को यहाँ पे विजिट करना चाहिए। जो यहाँ का ये पूरा प्लेस वगैरह है ना, और जो आर्ट वगैरह हो रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन काफ़ी अच्छा है। सो वी आर लविंग द प्लेस, है ना? तो आप लोग यहाँ पे पक्का विजिट करना है, इट्स गुड। सो अभी हमारे एग राइस और चिकन राइस आ गए, तो सबसे पहले आई एम अ चिकन लवर, सो आई विल स्टार्ट विथ चिकन फ्राइड राइस। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया, बस थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अपने लिए चिकन विंग्स मंगाए हैं। सो यम। और यहाँ पे आपको ग्रीन चटनी भी मिल जाएगी। इनके जो बाउल्स वगैरह ना, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। पूछना पड़ेगा शायद कि बर्तन कहाँ से लिए हैं, बट टेस्ट ना टेस्ट सो गुड।
सैलेड, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, मम्मी, चाची, इट्स वाज यम, अक्षू, इट्स वाज यम, सो अगला एग फ्राइड राइस, सिमिलर टेस्ट है, बस इसमें चिकन के पीसेस हैं बट फ्लेवर काफ़ी यम है, सो मस्ट ट्राई. सो यहाँ पे हमारे चिकन विंग्स, तो चलो अब हम ट्राई करेंगे चिकन विंग्स. इट्स टाइम फॉर चिकन विंग्स, विंग्स विद सम ग्रीन चटनी एंड. तो लुक्स वाइज तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, आप लोग देख सकते हो इतने जूसी लग रहे थे. और यस, और मैंने टेस्ट किए ना, मुझे काफ़ी टेस्टी लगे. मैंने पहले भी ये ट्राई किए हैं बट कहीं और के किए थे, बट यहाँ पे ना इट वॉज सो यम, लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं. तो आप लोग चिकन विंग्स तो डेफिनेटली ट्राई करना. लव्ड इट, कितना टेम्पटिंग लग रहा है. स्पाइसेस का जो फ्लेवर है इसमें, धनिया वगैरह भी है, इट्स सो गुड, वेरी यम्मी. आ गए यहाँ पर से बाहर और काफ़ी अच्छा रेस्ट होता, एक्सपीरियंस वाज गुड. आप लोग देख सकते हो पीछे इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा प्रीटी था और काफ़ी मज़ा आया. खाना भी काफ़ी टेस्टी था, लाइक जो चिकन विंग्स थे ना वो बहुत ही यम्मी थे. और बिल हमारा 500 आया, हमने चिकन विंग्स ऑर्डर करे, एग फ्राइड राइस, चिकन राइस और कोल्ड ड्रिंक, सो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा आया. सो यस, प्लेस काफ़ी अच्छी है, यू शुड विजिट दिस प्लेस. और यस, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था और वहाँ पे मतलब सब कुछ मुझे काफ़ी पसंद आया. पीसफुल जगह भी थी वहाँ पे, मार्केट के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर. सो यस, सो अभी मैं आ गई उस प्लेस से, दावत रेस्टोरेंट से. सो काफ़ी अच्छी प्लेस थी, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी. अगर मैं किसी जगह की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ ना, सो इट रियली मीन्स कि वो अच्छी थी. तो हमने ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड राइस और नहीं, चिकन राइस और एग राइस एंड चिकन विंग्स, ठीक है. तो तीनों ही काफ़ी टेस्टी थे, लाइक मेरी फेवरेट है चिकन विंग्स, क्योंकि मैं नॉन वेज हूँ और मेरे को इस टाइप की चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं. सो यस, और रेट भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक ना ही ज़्यादा अफोर्डेबल कहूँगी ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कहूँगी, एक मिड रेंज में. और आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो वहाँ पर, काफ़ी अच्छा यू नो डिनर, फैमिली डिनर रेस्टोरेंट टाइप का है वो, फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का है, काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी शांत है और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है. फूड की क्वालिटी और हर चीज़ मेरे को सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और पक्का विजिट करना रेस्टोरेंट में. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.